शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उर्वशी मैडम के साथ बहुत गलत हो रहा है गहना। क्यों ना हम दोनों मिलकर उनका जन्मदिन मनाएं? सबको पता है कि मैं अपना बर्थडे नहीं मनाती, फिर मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत किसने की? ये सब कुछ हमने आपके लिए किया है। मम्मा सब केक तो खराब हो गया। कोई बात नहीं प्रिंस, केक तो फिर से बन जाएगा। गहना तुम हलवा बहुत अच्छा बनाती हो। तुम्हें कैसे पता? उर्वशी ने इन सब, हम ही ने इनको बताया था। ये कैसा केक है? हमारे गांव में हलवे से ही केक बनाते हैं। ये केक तो यहाँ शहरों में मिलता है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. गहना धन्यवाद, तुम्हारे और गौरव की वजह से आज 23 सालों बाद उर्वशी ने अपना बर्थडे मनाया है, वो भी खुशी के साथ। हम इतने साल से आगे पीछे घूम रहे, हमारा नाम तक स्माइल करके नहीं पुकार, आज ये ड्राइवर को अपने हाथों से केक ईट करवा दो। जन्मदिन की मुझे और मीठा नहीं खाना। खा लीजिए ना मैडम, इतने प्यार से गहना ने बनाया और इतनी उत्सुकता के साथ आपको खिला रही, थोड़ा खा लीजिए। नहीं खाना मुझे। ये हमें खिला दो, हम खा लेंगे। नहीं खाओगे तुम। तुम भी नहीं खाओगे। वो ड्रेस ट्रायल है ना कल तुम्हारे, तो उसके लिए तुम्हारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट लगनी चाहिए, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर बहुत बुरा होगा। चलो मेरे साथ। थैंक यू मैडम, आज हमारी बात मानकर अपना बर्थडे मनाने के लिए। देखिए हम उतने अमीर तो नहीं है कि आपके लिए कोई महंगा तोहफा लेके आ सके, पर फिर भी हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। क्या? ये आपके लिए। थैंक यू, बहुत प्यारे हैं। गहना तुम हलवा बहुत अच्छा बनाती हो। एक बात बताओ, जब गहना का बर्थडे आता है तब तुम उसे क्या गिफ्ट देते हो? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? Ha ha ha.
हंस क्यों रहे थे तुम? सच सच बताओ ना, कहना और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? मैडम आप भी कुछ भी सोच रही हैं। अरे गहना और हम गांव से है ना, तो वो दोस्ती का रिश्ता है और कुछ नहीं है। ऐसा लगता तो नहीं। इतना ही बता दो, क्या तुम गहना को पसंद करते हो? क्योंकि तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता है, जैसे वो अच्छा हलवा बनाती है, और उस दिन जब तुमने ड्रिंक की थी तब वो तुमसे नाराज हो गई थी। और अगर तुम कोई गलती करते हो तो वो तुम्हारा इल्जाम अपने सर ले लेती है। क्यों? मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, और गहना सिर्फ हमारी दोस्त है और कुछ नहीं। और वैसे भी गहना जैसी लड़की सिर्फ हमारी दोस्त ही हो सकती है, गर्लफ्रेंड या पत्नी नहीं। हम ओके, सिर्फ दोस्त हैं। ठीक है, सिर्फ दोस्त हैं ना हम? अभी बताते हैं, हम उनकी पत्नी बनने के लायक नहीं है, है ना? कौन है तो पत्नी बनने के लायक? अब खाओ। अरे क्या बात है, खिसियाई बिल्ली अब जलेबी बना रही है। वाह, आज का तो दिन ही कमाल है। उर्वशी मैडम का बर्थडे है, पहले हलवा खा लिया और अब हम खाएंगे मीठी मीठी जलेबियां। एक नहीं दो खाएंगे। ये मिर्ची वाली जलेबी कौन बनाता है? अरे दोस्त है ना हम तुम्हारी, तो दोस्ती में तो हम इतना ही कर सकते हैं। क्या ना, जल्दी आपको पानी दो। ये लो, ये खाओ, इसी के लायक हो तुम। अरे तुम हमारी दोस्त हो या दुश्मन? चीनी चीनी चीनी। गौरव क्या हुआ? मैडम मिर्ची मिर्ची वाली जलेबी खा लिया, हमारा बहुत जोर से मुंह चल रहा है, कुछ मीठा खिला दीजिए मैडम। ये लो। नमक है मैडम। ये रही चीनी। मैडम ये क्या खिला दिया? मैडम ये क्या खिला दिया आपने, हमारा मुंह और जल रहा है। गहना मैडम ने पता नहीं क्या खिला दिया, मुंह और जलने लगा है। मैंने तो चीनी दी थी। अरे ये तो सोडा है, इससे तो तुम्हारा मुंह और जलेगा, क्या कर दिया? गहना तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त, जो तुम कहोगे हम तुम्हारी सारी बात मानेंगे, लेकिन कुछ मीठा खिला दो। अच्छा हम उठक बैठक करने को भी तैयार है, ये कुछ मीठा खिला दो जल्दी। ठीक है ठीक है, रुको लाते हैं अभी। थैंक यू गहना।
और वैसे भी गहना जैसी लड़की सिर्फ हमारी दोस्त ही हो सकती है, गर्लफ्रेंड या पत्नी नहीं। एक दिन जरूर आएगा जब तुम खुद कहोगे कि पत्नी हो तो गहना जैसी। बहू की रिपोर्ट आई। कोई जवाब देगा मुझे? श्लोक बेटा, तुम किसी काम के तो हो नहीं, कम से कम इस घर को एक वारिस तो दे सकते, या उसकी भी उम्मीद ना रखे तुमसे? पापा, कमी मेरे में नहीं, श्रिया में है। वो मां नहीं बन सकती। अगर ये बहू होकर इस घर को एक वारिस नहीं दे सकती है तो इसे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। निकालो इसे बाहर। ये क्या कह रहे हैं आप? ये संभव नहीं है, ऐसे कैसे इसको बाहर निकाल सकते हैं? रहने दीजिए ना पापा श्रेया को इस घर में, और वैसे प्रिंस है ना इस घर का वारिस, और अगर इनका बच्चा हो भी गया तो इन्हीं के जैसा होगा। वशी, तुम इस घर की बेटी हो, इस घर की लक्ष्मी हो तुम, लेकिन इस घर को वारिस इस घर का बेटा ही दे सकता है। अगर ये दोनों इस घर का वारिस नहीं दे सकते हैं तो इनकी शादी के रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। खुदा, कल ही पंडित जी को बुलाओ और उनसे कहो कि श्लोक की दूसरी शादी के लिए लड़की देखें, और ऐसी लड़की देखें जो इस घर को वारिस दे सके। हम वकील से बात करके इन दोनों के डाइवोर्स के कागजात रेडी करवाते हैं। पापा जी प्लीज, ये ऐसा मत करिए हमारे साथ। हम आप सबको छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम? माँ जी प्लीज आप कुछ बोलिए ना। और उर्वशी दीदी, कम से कम आप तो हमारी मदद कीजिए। पापा जी से कहिए ना कि हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी ना करें। पापा जी। साहब जी, आप लोग ये सब बहुत गलत कर रहे हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, हमें बोलना तो ना ही चाहिए, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, और अगर आपको गलत लगे ना तो माफ कर दीजिएगा। लेकिन एक औरत की पहचान सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। श्रेया भाभी इस घर की बहू है, श्लोक भैया की पत्नी। सिर्फ एक कमी के कारण आप उनसे इतने सारे रिश्ते छीन नहीं सकते। नौकर हो, नौकर बन के रहो। घर के आंतरिक मामले में दखल मत दो, जाकर अपना काम करो। हम नौकर होने के साथ साथ एक औरत भी है। बड़े साहब, हमने जिंदगी में यही सीखा है कि जब एक औरत के साथ गलत हो रहा हो ना तो हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए। हमें शहर के बारे में नहीं पता बड़े साहब, लेकिन हमारे गांव में एक बीवी के रहते अगर कोई दूसरी बीवी ले आए ना तो उसकी बहुत बदनामी होती है। अरे अगर हमारे गांव के सरपंच ऐसा करे ना अपनी बहू के साथ तो हम का वो गांव वाले उनको बहुत कुछ बोलेंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे और उनकी बहुत बदनामी करेंगे। और आप तो यहाँ के नेता है ना, और आगे जाकर वो बड़े वाले विधायक भी बनने वाले, वो आपकी बदनामी नहीं होगी का? और बात तो सिर्फ एक बच्चे की है, इस घर का वारिस चाहिए ना आपको, वो तो गोद भी लिया जा सकता है।
गोद लिया हुआ बच्चा हमारा अपना नहीं होगा। तो क्या हुआ वो विज्ञान की तकनीकें भी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है ना, क्या बोलते हैं उस तकनीक को, सरोगेसी। हाँ वही उर्वशी मेम साहब, वो तकनीक भी तो है ना, जिसमें कोक किसी और की और खून अपने खानदान का। किसी दूसरे की कोख में पलने वाला बच्चा दूसरे का ही कहलाता है। अपना मुंह बंद रखो और अपने काम पर ध्यान दो। आज गई जब तक हम इस घर को इसका वारिस नहीं देंगे तब तक हमारी इस घर में कोई इज्जत नहीं होगी। मेजरमेंट्स लेने नहीं आते? हाँ जाओ अपना काम करो। गौरव का फोन पे फोन ही बजे जा रहा है। गौरव भी ना, वो कभी अभी जाना था नाप देने। अब क्या करें हम? जाने कौन इतनी बार फोन कर रहा है, कोई जरूरी काम हो सकता है। हम अभी जाके गौरव को बता देते हैं। कुर्ता उतारो। जी? कुर्ता उतारो। डिस्टर्ब मत करना, यहाँ हम शूट के लिए काम कर रहे हैं।
उर्वशी मेम साहब के बर्ताव को लेकर अब हमारा शक यकीन में बदलते जा रहा है। पर का गौरव के मन में भी अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।